अगर आपने बिहार की सियासत को पिछले 5-10 सालों में समझना शुरू किया है तो एक नाम जगदेव बाबू का आप पिछले कुछ दिनों में कई बार सुन रहे होंगे। आपके जहन में सवाल भी उठ रहा होगा कि कौन है जगदेव प्रसाद, जिनकी जयंती पर बिहार में सियासत तेज है। एक ओर जहां 1 फरवरी को RJD जगदेव बाबू की जयंती मना रही है, वहीं 2 फरवरी को JDU जगदेव बाबू की जयंती भी मना रही है, तो दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा JDU से बागी होकर जगदेव बाबू की जयंती मना रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे जैसे जगदेव बाबू की जयंती नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बिहार की सियासत में कुशवाहा समाज से आने वाले नेता, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, उमेश कुशवाहा हो, सम्राट चौधरी हो या आलोक मेहता ही क्यों ना हो, ने बयानों की सियासत तेज कर दी है। आइए जानते हैं कौन है जगदेव बाबू, जिनकी जयंती के कारण बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जगदेव प्रसाद अति पिछड़ा कुशवाहा जाति से आते थे। जगदेव प्रसाद ने कई नारे दिए, उनके कई विचार हैं जो पिछड़ी अति पिछड़ी जाति की राजनीतिक लड़ाई को ताकत देती है। जगदेव प्रसाद ने कहा था, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। जगदेव प्रसाद ने कहा था, जो लड़ाई मैं शुरू कर रहा हूँ वो अगले 100 साल तक चलेगी, पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल में रहेगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। बिहार की राजनीति में देखे तो ये दिखता भी है। अरवल में सत्याग्रह करने पहुंचे जगदेव प्रसाद को पुलिस ने गोली मारी थी। जगदेव बाबू की मौत 5 सितंबर 1974 को पुलिस फायरिंग में हुई थी। उस दिन वे अरवल जिले के कुर्था प्रखंड में गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह करने पहुंचे थे। पुलिस ने उनके गले में गोली मार दी और उनकी मौत हो गई। उनके समर्थकों ने इसे शहादत की संज्ञा दी। जगदेव बाबू की मौत के लगभग 48 साल बाद आज उनकी बात सच साबित हो रही है। जगदेव बाबू ने कहा था, पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो देखिए कैसे पहले जगदेव प्रसाद की गोली लगने से मौत हुई, फिर लालू प्रसाद जेल गए और आज के बिहार की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में बिहार की सियासत में पिछड़े समाज से आने वाले नेताओं की ही तूती बोती है। कुर्मी जाति के नीतीश CM है, तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री है, उसी के साथ कई पिछड़ी अति पिछड़ी जाति के युवा नेताओं की कतार है जो राजनीति में है और सत्ता में है। और जगदेव प्रसाद जी के मौत के लगभग 50 साल बाद भी उनकी जयंती मनाने को लेकर राजनीतिक लड़ाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।